मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आपके अपने चैनल वेबसाइट में कुकिंग में स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को कस्टम जो है ट्रांसलेटर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कस्टम ट्रांसलेटर बोले तो जैसे कि जो भी आपकी पेज वगैरह रहती है, जैसे ये है, ठीक है, तो जी ट्रांसलेटर यदि आप यूज़ कर किए होगे या करोगे तो क्या होता है कि उस प्लगइन को एक्टिवेट कर लीजिए और गूगल की API फ्री में बन जाती है, वहाँ पे रख के अपना जो है काम कर सकते हो। तो गूगल ट्रांसलेटर जब आप यूज़ करते होंगे, आप देखते होंगे मेनू में या फूटर में कहीं भी आप ऑप्शन दिखाते हो तो वहाँ पर मल्टीपल चीज़ें आती है, लेकिन कस्टम वो ट्रांसलेटर नहीं रहता है। कस्टम ट्रांसलेटर बोले तो जैसे कि ये लिखा है ना, वाई डू वी यूज इट, तो मैं चाहूँगा कि भैया इसके जगह वेबसाइट में रखेंगे। जैसे कि मान लो कस्टम ट्रांसलेटर मैंने यहाँ पर दे दिया स्पेनिश, ठीक है, और उस इसमें स्पेनिश के अंदर मैंने लग दिया वेबसाइट मेकर किंग, तो यहाँ पे जब मैं स्पेनिश करूँ ना तो वेबसाइट मेकर किंग आए, और जब मैं इंग्लिश करूँ तो वाई डू यू यूज इट इज आए, ठीक है। जो है गूगल ट्रांसलेटर जो है मतलब उतना ही यूज नहीं होती है, मतलब वो छोटे मोटे साइट के लिए यूज कर सकते हो आप, लेकिन यदि आपकी कोई वेबसाइट बड़ी है और उसमें कंटेंट वगैरह दिए हैं तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो है ट्रांसलेटर प्रेस जो है कस्टम ट्रांसलेटर प्लगइन का यूज करें। ये जो है प्लगइन है, ट्रांसलेट प्रेस प्लगइन है, ये फ्री में भी बहुत सारे फीचर्स देता है, ठीक है। इतना मतलब फ्री में समझ लो दो लैंग्वेज देता है, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इंग्लिश रहती है, दूसरे चाहे हिंदी, इटालियन, फ्रेंच, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन मतलब प्लगइन है जी जो ट्रांसलेटर है गूगल ट्रांसलेट ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करता है, उसमें जो है आप कस्टम ट्रांसलेटर नहीं कर सकते, मतलब स्पेसिफिक चीज़ को आप चेंजेस नहीं कर सकते ऑन क्लिक पे, लेकिन इस प्लगइन का यूज करके आप स्पेसिफिक चीज़ को एट ए टाइम अपडेट करने के बाद आप उसको देख सकते हो कि ट्रांसलेट हुआ है कि नहीं हुआ है, किस भाषा में हुआ है वगैरह वगैरह। तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन प्लगइन है, फ्री में है, और ये फ्री में भी बहुत कुछ दे देता है, ठीक है। हालांकि दो लैंग्वेज देता है फ्री में, और यदि आप एड ऑन ले लेते हो तो आपको दो से भी ज़्यादा मतलब लॉगिन लैंग्वेज देगा, जो आपका जितना दिल करे उतना आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमारा जो है मैक्सिमम दो लैंग्वेज से ही काम होता है जनरली। यदि आप जहाँ तक मैं काम करता हूँ, मैंने देखा है कि मैक्सिमम दो लैंग्वेज पे ही चलता है, 36 तो कोई लैंग्वेज रखता नहीं है। तो दो लैंग्वेज यदि आप चाहते हो और कस्टम मतलब काम चाहते हो, कस्टम ट्रांसलेटर चाहते हो, तो आप जो है इस प्लगइन को इंस्टॉल करना, ये फ्री में ही आपका दो लैंग्वेज में सारा कुछ दे देगा। तो इसको कैसे करते हैं, फटाफट जो है हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए याद रखिएगा ट्रांसलेट मल्टीगुअल साइट, ठीक है, इसको ट्रांसलेट प्रेस प्लगइन वर्डप्रेस लिखोगे गूगल पे तब भी आ जाएगा, इसके आइकन वगैरह आप याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इस मतलब इस प्लगइन का नाम दे दूंगा, ठीक है, और ये प्लगइन बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। आप कस्टम मतलब ट्रांसलेट कर सकते हो स्पेसिफिक कंटेंट का, ठीक है, तो वो मैं अभी बताऊंगा आप लोग को, तो सारा कुछ डाउट आपके क्लियर हो जाएगी। बस शुरू से लेकर अंत तक मेरे चैनल पर यदि आप बने हो तो कुछ सीख के जाओगे गाइस, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो चलिए फटाफट जो है इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है इसकी कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आपको वही पता है आपके पास दो ऑप्शन है, कि तो आप डायरेक्ट जाके WP एडमिन से वो कर लीजिए, या नहीं तो दूसरा जाके इसके जो वेयर के अंदर जो WP के अंदर जो फोल्डर रहते हैं वहाँ पे ही आप प्लगइन WP कंटेंट के अंदर जाके प्लगइन फोल्डर के अंदर आप रख दीजिए, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आप यहाँ से करोगे तो ये थोड़ा सा ईजी है, और फाइल में जाके रखना थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो गाइज मेरा वीडियो देखा होगा या देखता होगा उसके लिए जो मैं बता रहा हूँ कुछ भी जो है टफ नहीं है, सारा कुछ आसान है, बस उसके इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए जी ट्रांसलेटर मैं इसी की बात कर रहा था, यदि आप इसको कर लोगे तो फ्री में ही बहुत सारी चीज़ें दे देगा आपको, ऑटोमेटिक वो ट्रांसलेट करता है, जैसे नहीं था गूगल पे आप जाओगे गूगल ट्रांसलेट एड ऑन भी ले लेते हो तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करता है डू यू वांट टू ट्रांसलेट, तो दो यस, तो उसको हिंदी इंग्लिश जो भी आप सेट किया होगा उसमें ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ट्रांसलेट मल्टीपल साइट जो ट्रांसलेट प्लगइन जो है इससे मैं बेहतरीन इसको मानता हूँ, ठीक है, ठीक है। और मतलब ये जो है मतलब जी ट्रांसलेट मतलब गूगल ट्रांसलेट पे काम करता है, और ये जो है प्लगइन कस्टम ट्रांसलेट पे काम करता है, बस यही इनके बीच का अंतर है कि भैया जी ट्रांसलेट जो है गूगल पे काम करता है, ठीक है, जैसे गूगल में हम जो भी सर्च करते हैं, और जो है ट्रांसलेट मल्टीपल साइट जो है ट्रांसलेट प्रेस प्लगइन जो है वो स्पेसिफिक मतलब कस्टम डाटा के लिए यूज होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्रांसलेट मल्टीपल साइट का ये जो प्लगइन है ट्रांसलेट प्लगइन वर्डप्रेस, ये जो है मतलब स्पेसिफिक मतलब वर्ड को जो है अपने हिसाब से आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है।
तो बस इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करते हैं, और बाकी जो मैं बोल रहा हूँ वो थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल मैं करके आपको दिखाऊंगा। और आई होप कि प्रैक्टिकल देखने के बाद जो है आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो एक फटाफट क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गूगल, यहाँ पे लिखते हैं डमी टेक्स्ट, ठीक है, डमी टेक्स्ट, ठीक है, डमी टेक्स्ट ले लेंगे, यहीं से हम डमी उठाएंगे, और इसके बाद इधर हम बगल में लिख देते हैं इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर है ये, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी में प्रेफर करूंगा, क्योंकि यदि आप वेबसाइट बनाते हो इंडिया को, यदि कोई वो आप किसी से ये भी बात कर सकते हो कि भैया जो है हम आपकी वेबसाइट फुली जो है मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों दो लैंग्वेज बनाएंगे, और इस प्लगइन का यूज करके आप यदि ये दोनों लैंग्वेज भी इजीली से मतलब बना सकते हो, और जिसमें वो जो लैंग्वेज देखना चाहेगा उस पर वो स्विच करेगा तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ ही मैंने खोल खोल रखा है कि मतलब इंग्लिश टू हिंदी, तो ये जो हमारा लोरा एम है, ठीक है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, और इसी हिंदी ट्रांसलेट को मैं जो हूँ वहाँ पे रख रख दूंगा कस्टम टेम्पलेट में, मतलब कस्टम ट्रांसलेट में करूंगा, ठीक है। मैं बार बार यूज कर रहा हूँ कस्टम ट्रांसलेट, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि भैया ये जो है, ये जो मैं काम बता रहा हूँ ये कस्टम ट्रांसलेट है, ठीक है, ये कस्टम काम है, क्योंकि ये जो चीज़ें है आपको इसको एडिट करना है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर दीजिए, इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाता है तो इंस्टॉल नाउट का बटन हट जाता है, ठीक है। अब इसको जो है एक्टिवेट कर दीजिए, अब जैसे ही एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो एक्टिवेट होने के बाद जो है आप इसके सेटिंग चलिए, आप चाहो तो एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से भी डायरेक्ट सेटिंग जा सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप जो है क्या बोल सकते हो कि मतलब सेटिंग में भी जाके, मतलब सेटिंग में भी हाई होवर करके आप यहाँ पे भी जा सकते हो, चाहे आप यहाँ से जाओ चाहे वर्डप्रेस से जाओ, मर्जी आपकी है, जाओगे एक ही जगह पे, ठीक है। सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद ये तो अभी बाय डिफॉल्ट यूएसए दे रहा है, कोई बात नहीं, एक ऐड हम लैंग्वेज करते हैं, हम उसका नाम दे देते हैं हिंदी, ठीक है, हमने कर दिया भैया एक लैंग्वेज हमें दे दो आप जिसका होगा हिंदी, अब जो दिल करे वो स्पेनिश, जापान, चाइना, पाइना, जो लेना है पाकिस्तान, ठीक है, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। मेरे को हिंदी चाहिए तो मैं हिंदी करता हूँ, ठीक है, हिंदी करता हूँ मैं, एंड हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी करने के बाद यहाँ से ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे ही ऐड ऐड का बटन क्लिक करेंगे ये जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है, बाकी सेटिंग वगैरह सब सही है। अब ये आपसे पूछेगा कि मतलब आप जो है इसको नेविगेशन नेम में क्या है, ठीक है, आप जो है इसको कहाँ दिखाना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि भैया फ्लैग विथ मतलब कैसे स्विचर है, मतलब फ्लैग विथ लैंग्वेज रहेगा, मतलब फ्लैग भी रहेगा लैंग्वेज भी रहेगा, ठीक है, और हम यहाँ से जो है इसको सेट कर लेंगे, हम कह रहे हैं कि बॉटम राइट में कर रहे हैं, यदि आप टॉप में करोगे तो ये जो है मतलब टॉप में दिखेगा, ठीक है, बॉटम राइट में कर दिया कि मतलब बॉटम से जो है राइट राइट दिखेगा, ठीक है, तो सारा कुछ सेटिंग है, और उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे सेव, ठीक है जी। जब आप इसको सेव कर लोगे, सेव करने के बाद जो है इसका फ्रंट पेज यदि आप देखोगे तो आपको नीचे जो है फुटर में ये ट्रांसलेट पेज का फंक्शनलिटी आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसमें अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एडाउन वगैरह हैं, तो एडाउन फ्री के हैं, यदि आप एसईओ वगैरह में भी चाहते हो कि जो भी आप कस्टम टेस्ट करते हो एसईओ इफेक्ट ना हो, तो इसके लिए आपको ये एसईओ वाला एडाउन खरीदना पड़ेगा। तो इसी तरह है आपके पास जो है बहुत कुछ कुछ एडाउन है जो आपको खरीदना पड़ेगा, बाकी कुछ ये एडाउन ये दे रहा है। ब्रॉड यूजर इज नेविगेट ये साइट जस्ट पर्टिकुलर यूजर रोल रियली योर डायनेमिक कंटेंट कंटेंट अपीयर हो रहा है, यार इन सब अभी इन सबको छोड़ दो, ठीक है, इन सबको पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे। सिंपल सा आपको पता है कि इसको ट्रांसलेट प्रेस को एक्टिवेट कर दीजिए, जो मैंने सेटिंग आपको दिखाया है नॉर्मल सेटिंग करके ओके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप आ जाइए इस पर, आने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है, तो हमने सेव नहीं किया है तो यहाँ पे दो लैंग्वेज में उसको दिखना चाहिए, अब इंडिया के झंडे के साथ भी, और ये दिख रहा है, ठीक है। यदि मैं हिंदी पे करूँ तो अब आप देखोगे कि हिंदी पे मैं करूँगा तो ये हिंदी में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा हिंदी में,
क्योंकि भैया ये जो है ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेटर नहीं है कि आप बस इसको एक्टिवेट कर दिया और यहाँ से जो चाहे वो आप क्लिक करके उस भाषा में ले लीजिए, ठीक है। ये कस्टम ट्रांसलेटर है, मतलब आप खुद डिसाइड करोगे कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो एक्टिवेट हो गया, सेटिंग आपने देख लिया। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, आपको ट्रांसलेट प्लेस जो है ट्रांसलेट प्रेस जो है प्लगइन को अपने लोकल सिस्टम या जहाँ पे आप रखना चाहते हो वहाँ पे इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट करने के बाद आपको सेटिंग में जाइए। सेटिंग में आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ से ऐड लैंग्वेज कर लेंगे या दूसरा लैंग्वेज आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हो। यदि दूसरा लैंग्वेज यदि आप करोगे तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये बोल रहा है कि नहीं भैया, यदि दूसरा चाहिए आपको तो ऐड ऑन ले लो, ठीक है। तो एक ही लैंग्वेज दे रहा है, एक ही लैंग्वेज हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, देखिए पैसे मांग रहा है तो हमारा इसी में काम हो जाएगा। पैसे देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है और हमें जो है हिंदी मतलब लैंग्वेज ले रखी है। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ओके जी। बाकी आप देख लो सारा कुछ ओके रहेगा। कोर्स टू लैंग्वेज कस्टम लिंक ये ऐसा रहेगा और यहाँ से जो है शॉर्टकट है। आप चाहोगे तो फुल नेम के साथ भी आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट नेम के साथ भी आ सकता है, एफ आर आ जाएगा उसका, ठीक है। तो और यहाँ जो है फ्लैग विद फुल लैंग्वेज नेम आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो सही आ रहा है बाय डिफॉल्ट। तो उसको हम ओके रख देते हैं। बॉटम में है तो बॉटम में कर दोगे, यदि लेफ्ट करोगे तो बॉटम से लेफ्ट में ये चीज़ें हो जाएगी। ये जो अभी आपको दिख रही थी यहाँ पे, कहाँ गया भाई, यहाँ पे ये चीज़ें आपको आपको दिख रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो बॉटम में आपको दिख रहा था, यदि आप कर दोगे तो इधर आ जाएगा वो, ठीक है। यही सब सेटिंग है कि मतलब ये चीज़ें कैसे दिखनी चाहिए, आपको कहाँ दिखनी चाहिए, नीचे दिखनी चाहिए कि ऊपर दिखनी चाहिए, कि लेफ्ट दिखनी चाहिए कि राइट दिखनी चाहिए, बस इसी की ये सेटिंग है जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो इनसे कोई देना नहीं है, बाई डिफॉल्ट है तो हो गया, ओके, ठीक है। और ना कोई ऐड ऑन लेने के चक्कर मत पड़िए, आप हो गया एक्टिवेट कर दीजिए और सिंपल सा जो है टिक यहाँ पे लैंग्वेज ऐड करके सेव कर दीजिए, बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। सेव हो गया। सेव होने के बाद आपको ऐसे ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, अब इसको जो है कस्टम जो है कस्टम ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से मैं जो चाहूँ वो ट्रांसलेट करूँ, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसलेट प्रेस प्लगइन इसी के लिए यूज होता है और बहुत ही बेहतरीन प्लगइन है। एक बार आप ज़रूर जो है आप जो है ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये जो अभी हुआ है ये आपको पता है गूगल के थ्रू हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। एक्चुअली जो इसका मेन काम है ये होगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है अपनी इस प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए और उस पेज पे जाइए। उस पेज पे अब यदि आप जाओगे इंस्टॉल करने के बाद, तो आपको यहाँ पर ट्रांसलेट पेज दिखेगा, बस ट्रांसलेट पेज दिखेगा, उसको होगा तो सेटिंग दिखेगा, सेटिंग ऑलरेडी आपने कर रखा है, ट्रांसलेट प्रेस वाले आप क्लिक कर दीजिए। ट्रांसलेट प्रेस पे यदि आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो अब ये जो है इस पेज को खोल देगा और कस्टम जो है ट्रांसलेट आप इजिली कर सकते हो, मतलब जिस सेंटेंस पे आपको जो चाहिए वो अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, इसी को बोलते हैं कस्टम ट्रांसलेटर। यदि मैं समअप करना चाहूँ कस्टम ट्रांसलेटर के बारे में, तो आप ये बोल सकते हो कि कोई भी कंटेंट को अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में यदि हम मैनेज करते हैं, ठीक है, उसी को जो है हम कस्टम ट्रांसलेटर कहते हैं। तो अपने हिसाब से हम मैनेज करते हैं। अभी देखिए एग्जांपल देते हैं। देखिए अब जैसे ही आप इसको एडिट करोगे, एडिट विद ट्रांसलेटर आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा, आप चाहिए तो किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से हम मैनेज कर सकते हो। यार इतना ईजी ये हो जाता है ना भाई साहब, कि पूछो मत। जैसे वाई डू यू एक्स को मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि भैया ये तो इंग्लिश में ऐसा दिखे और हिंदी में जैसे है यहाँ पे कोई करे तो दिखे। तो मैंने बोल दिया भैया हिंदी में जब रहे ना तो दिखे वेबसाइट मेकर किंग, ठीक है। कर दिया, करने के बाद आप कंट्रोल एस कीजिए, सेव हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे भी मैनुअली माउस क्लिक करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिव कमेंट है, लिव कमेंट जो है इसको भी आप कर सकते हो। लिव कमेंट में जो है टेक्स्ट है लिव कमेंट का, ठीक है, आप यहाँ पर दे देते हो अमित, मैं दे देता हूँ। चलो भैया लिव कमेंट में जैसे ही मैं मतलब हिंदी में करूँगा तो यहाँ जहाँ लिव कमेंट है वहाँ पे जो है अमित दिखेगा कि भैया ये कस्टम हो रहा है, तो भैया हमारे हिसाब से जो हम दिल करेगा वो हम करेंगे, इसलिए तो इसका नाम रखा है कस्टम, ठीक है। उसके बाद जो है क्या करते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट किया है, इसी को हिंदी में ले लेते हैं। क्या भाई को थोड़ा सा हिंदी में तो दिखना चाहिए, नपो के सर बस केवल आप बोल रहे हैं करके दिखाया दी भाई, लीजिए देख लीजिए आप, ठीक है। तो बस यहाँ पे हिंदी है, हिंदी में हम रखना, मतलब कहने का मतलब है जैसे आप इसको क्लिक करोगे ना तो आ जाए ऑटोमेटिक इंग्लिश उठाएगा, हिंदी में नहीं रहेगा तो आपको हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में करना चाहोगे उस लैंग्वेज को आप रख के सेव कर लीजिए। यदि आपका डाटा है तो सेव कर लीजिए। जैसे मैं अभी गूगल से यहाँ से वैल्यू उठा रहा हूँ,
बहुत से क्लाइंट होते हैं जो आपको कस्टम ट्रांसलेटर ऑलरेडी एक्सेल में या गूगल शीट में दे दिए रहते हैं, उनको चेपना ही होता है। तो आपको इंग्लिश से तो कोई लेना देना नहीं है, जो भी हो रहा है आपको नीचे जो इसमें दिख रहा है इसमें करना है, ठीक है। इसके बाद इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद जब आप इसको जब व्यू करोगे व्यूअर्स, तो आप देखिए अब व्यू करोगे तो अभी तो इंग्लिश है तो इंग्लिश जैसा रहेगा, जैसे ही आप हिंदी करोगे तो ये देखिए बदल जाएगा। जैसे आपने हिंदी किया तो उसका टाइटल बदल गया और जहाँ लीव कमेंट था वहाँ पर अमित आ गया, जो हिंदी था जो इंग्लिश था वो हिंदी में आ गया। ये हुआ कस्टम ट्रांसलेटर, इसी को बोलते हैं कस्टम ट्रांसलेटर। और इस कस्टम ट्रांसलेटर को मुमकिन कौन बना रहा है, इजी वे में, फ्री वे में, ये बना रहा है, ट्रांसलेट पेज प्लगइन बना रहा है, ठीक है। तो एक फ्री में देता है वही काफ़ी है, और इसके चाहिए तो एड ऑन आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा प्लगइन मेरे को लगा, एक बार जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि नाउ ए डेज आजकल यही आ ही रहा है, ट्रांसलेट ट्रांसलेट ट्रांसलेट। मैं खुद लगातार जो है तीन प्रोजेक्ट पे मैंने ट्रांसलेटर यूज़ किया है, और जिसमें से एक मैंने जी ट्रांसलेटर का यूज़ किया हूँ और दो में मैं ये कस्टम ट्रांसलेटर का यूज़ किया, मतलब ये ट्रांसलेट प्रेस प्लगइन का यूज़ किया हूँ, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कस्टम की ही मैक्सिमम होती है, तो कस्टम के लिए मैंने इस प्लगइन का यूज़ कर लिया है। और नॉर्मल के लिए कहता है कि भाई जब कोई क्लिक करे हिंदी या इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज में तो उस लैंग्वेज में उसके लिए हमने जी ट्रांसलेटर जो होता है गूगल का, जो फ्री की सर्विस होती है, उसको हमने मतलब यूज कर लिया, ठीक है। वही है, ठीक है। जी ट्रांसलेटर बहुत ईजी है, इसमें भी नहीं है, ये कस्टम ट्रांसलेटर पर फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद एक्टिवेट करोगे, एक्टिवेट करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड है तो आप यहाँ पे लिख कर दीजिए, प्रोटेक्टेड है तो यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लिश में कुछ लफड़ा आ रहा है ये, चलिए कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये जो दिस कंटेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ना, इस पर मैं करके देखती हूँ, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, खैर कोई बात नहीं है। तो ये जो है ये तो हमारा हो गया जी, वाई डू वाला वेबसाइट में करके हो गया, ठीक है। इसको भी जो है हम एक बार संरक्षित में कर देते हैं। तो कुछ करना क्या है, जब आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आप इंग्लिश कीजिए, ठीक है। इंग्लिश करोगे तो ट्रांसलेट प्लेन का दिखेगा, इस पर क्लिक कर दिए, जैसे आप क्लिक करोगे तो इसी पेज पर आ जाओगे, जब इस पेज पर आ गए तो अपना जो दिल करे वो कस्टम ट्रांसलेट आप कर लीजिए, ठीक है। तो फटाफट जो है जैसे ये ओपन होता है तो हम इस पर काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, ट्राई जरूर कीजिएगा। अब मैं चाहता हूँ ना हेलो वर्ड में चेंज करूँ, तो इस पर जैसे होवर करूँगा तो आपको दिख जाएगा आइकन, इस पर क्लिक करके जो है आप अपने हिसाब से जो है कोई भी चीज़ जो आपको मिला है ट्रांसलेट करने के लिए वो वहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। मैंने सिंपल सा ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कर दिया कि भैया हेलो वर्ड की जगह पर ये दिखेगा यदि मैं हिंदी में करूँगा तो, ठीक है। तो इवन यार इससे जो है कॉन्टेक्ट फॉर्म सेवन वगैरह सारा कुछ आप ब्रदर आप सारा कुछ जो है इजीली आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इवन जो है जब आप सबमिट करते हो व्यूअर्स और आप चाहते हो कि सबमिट के बाद जो है मैसेज जो आता है ना उसको भी आप इस ट्रांसलेट प्लेस प्लगइन्स का यूज करके कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है इसको यूज करने का, एक बार आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरे वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। मेरे को पता है आप लोग का ग्रुप भी बहुत सारा होगा, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अभी जो मैंने किया है वो भी देख लीजिए, नहीं तो आप कहोगे कि सर इस तरह बोल दिए हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी देखिए हेलो वर्ड है और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ये 1 2 3 आ गया लोसम क्या है, ठीक है। आपने यहाँ पर देखिए दिया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऐसे होता है, उसके बाद कंट्रोल ऐसे भी सेव कर सकते हो, नहीं तो सेव ट्रांसलेट पर भी क्लिक करके सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है कस्टम ट्रांसलेटर का यूज करते हैं अपने वेबसाइट में, यही तरीका है सबसे बेस्ट ट्रांसलेटर प्लगइन का अपने वेबसाइट में यूज करने का, ठीक है व्यूअर्स। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग, कोडिंग करते रहिए। कहीं भी दिक्कत कहीं परेशानी है अपने भाई अपने होस्ट को याद कीजिएगा, अमित कुमार गुप्ता हमेशा आप लोग के सेवा में रहेगा, ठीक है। यथा स्थिति जिससे हो सकता है, यदि आप हमसे हेल्प मांगते हो, और भी लोग मेरे से मांगते हैं तो मैं हेल्प करता हूँ, तो जो भी है मेरे पास यदि मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग बस कोडिंग कीजिए, जहाँ भी दिक्कत परेशानी आती है कोडिंग में एक बार कमेंट कीजिए या डायरेक्ट हमें आप, यदि आपके पास नंबर है तो हमें कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है कूल मतलब वेबसाइट में करके @gmail.com की ईमेल आईडी है ऑफिशियल, वहाँ भी आप हमें मेल कर सकते हो, वहाँ से भी मैं आपको रिस्पांस कर दूंगा,
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे, बाय।